नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के एक प्राचीन मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज उत्तराखंड के जिस प्राचीन मंदिर के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से है, जिसका निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल ने कराया था। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अधेली सुनार गांव में स्थित है। उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद कटारमल सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित किया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा और प्राचीनतम मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर पूर्वाभिमुखी है, जिसे एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित विशालतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। कटारमल सूर्य मंदिर समुद्र तल से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को बड़ादित्य और बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कटारमल सूर्य मंदिर को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस मंदिर में सूर्य देवता की प्रतिमा को बनाने के लिए किसी धातु का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि बड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। भारत में सूर्य देवता को समर्पित किए गए सिर्फ दो मंदिर हैं, जिनमें से एक उड़ीसा में स्थित है और दूसरा उत्तराखंड में। उड़ीसा में सूर्य देवता को समर्पित किया गया मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है और उत्तराखंड में सूर्य देवता को समर्पित किया गया मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल ने 9वीं शताब्दी में कराया था, लेकिन इसके निर्माण वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे 11वीं शताब्दी में निर्मित बताते हैं। वैसे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कटारमल सूर्य मंदिर में स्थित स्तंभों में उत्कीर्ण किए गए अभिलेखों के आधार पर अगर कहा जाए तो इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में निर्मित बताया गया है। कटारमल सूर्य मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या है? पौराणिक इतिहास के अनुसार जब उत्तराखंड के कंदराओं में एक असुर ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए तो उस समय कंजर पर्वत और द्रोणागिरी कषाय पर्वत के ऋषि मुनियों के द्वारा कोसी नदी के तट पर सूर्य देवता की साधना की गई थी। ऋषि मुनियों की साधना से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने वहां पर अपने दिव्य तेज को एक वटशिला के रूप में स्थापित किया। बाद में इसी वटशिला पर कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने सूर्य देवता को समर्पित बड़ादित्य मंदिर का निर्माण कराया और आज यही मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कटारमल सूर्य मंदिर की संरचना। कटारमल सूर्य मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार को काष्ठ कला द्वारा उत्कीर्ण किया गया था, जो वर्तमान में नई दिल्ली स्थित देश के राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद है। 10वीं शताब्दी में एक मूर्ति के चोरी होने के बाद से गर्भगृह के प्रवेश द्वार को अन्य अवशेषों के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। मंदिर को त्रिरथ संरचना के आधार पर बनाया गया है और इस मंदिर में कुल 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। मंदिर परिसर में सूर्य देवता की मूर्ति के अलावा अन्य कई देवताओं की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नरसिंह, लक्ष्मी नारायण आदि अन्य देवताओं के लगभग 44 छोटे बड़े मंदिर निर्मित किए गए हैं, जिनका निर्माण वर्ष अलग अलग बताया जाता है। अब बात करते हैं कटारमल सूर्य मंदिर से जुड़े तथ्यों के बारे में। तो कटारमल सूर्य मंदिर कुमाऊं के सबसे बड़े और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में बताया जाता है। सूर्य की सबसे पहली किरणें कटारमल सूर्य मंदिर में रखी गई सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती हैं।
कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ आदित्य और बड़ आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कटारमल सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित भारत के केवल दो मंदिरों में से एक है। सूर्य देवता को बड़ादित्य और वराहादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देवता की प्रतिमा के अलावा कटारमल सूर्य मंदिर में 44 अन्य देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर निर्मित किए गए हैं। कटारमल सूर्य मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं? कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वायु मार्ग के द्वारा अगर आप कटारमल सूर्य मंदिर आना चाहते हैं तो इस मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो यहां से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंतनगर हवाई अड्डे से आप अल्मोड़ा तक के लिए बस या टैक्सी लेकर कटारमल सूर्य मंदिर पहुँच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग के द्वारा कटारमल सूर्य मंदिर आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और एक दूसरा रेलवे स्टेशन रामनगर रेलवे स्टेशन है, जो यहां से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रेलवे स्टेशन से भी आप अल्मोड़ा के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा कटारमल सूर्य मंदिर में आना चाहते हैं तो राज्य के कई स्थानों से यहाँ के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो अल्मोड़ा से दिल्ली की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, और 14-15 घंटे का सफ़र तय करके आप आसानी से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा पहुँच सकते हैं, और इसके लिए वहाँ पर बसेस भी जो हैं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी कटारमल सूर्य मंदिर से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।